हमारा ये शरीर चलता है एनर्जी से, ऊर्जा से। अगर ये ऊर्जा यानी प्राण ना हो तो ये शरीर ही नहीं रहेगा। हमारे शरीर के जो 12 मुख्य तंत्र सिस्टम्स हैं वो सभी ऊर्जा से चलते हैं, और हमें ऊर्जा मिलती है कुदरत से और भोजन से, भोजन के ऑक्सीकरण से। अगर जो भोजन हम खाते हैं उसका पाचन होगा ही नहीं तो हमें एनर्जी तो मिलेगी ही नहीं। साथ ही हमारे शरीर को बनाने वाले पोषक तत्व जैसे प्रोटीन जो हमारे मसल्स को बनाता है और उसकी मरम्मत करता है, और विटामिन्स जो मिनरल्स को एब्सॉर्ब करते हैं, और कुछ खास मिनरल्स जो ब्लड जैसी चीज़ों को बनाते हैं, अगर वो चीज़ें ही हमें मिलेगी नहीं तो हमारा शरीर योग्य तरीके से काम ही नहीं करेगा। और ये सब हमें मिलता है भोजन से, और केवल भोजन खाने से हमें पोषक तत्व नहीं मिलते हैं, उस भोजन का पाचन होता है जिसके बाद हमारे पेट में मौजूद ब्लड वेसल्स भोजन में मौजूद उन पोषक तत्वों को अवशोषित कर शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचा देते हैं, तभी हमें पोषक तत्व मिलते हैं। अगर अब तक ये बात आप जानते ही नहीं कि भोजन पचता कैसे है, जो खाना हम खाते हैं वो पचता कैसे है, तो अब तक आपका जीवन थोड़ा अधूरा सा था, क्योंकि यह बात आपको पता ही नहीं कि आपका शरीर चल कैसे रहा है, आखिर शरीर में ऊर्जा का संचरण होता कैसे है। तो बिना समय गवाए, बिना दूसरी बात किए हुए आपको तुरंत बताता हूँ कि हमारे शरीर में भोजन पचता कैसे है। जैसे ही जब हम अपने खुराक को मुंह में डालते हैं, हमारे खाने में हमारा सलाइवा मिल जाता है, और दांत भोजन को कई सारे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण काम होता है, क्योंकि खाना पचने के लिए यह जरूरी होता है कि भोजन को जितना हो सके उतना छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाए। फिर इन टुकड़ों के ऊपर हमारे मुँह में ही मौजूद, जिसको कहते हैं बकल कैविटी, उसके अंदर ही दांतों और जीभ के बीच सैलिवरी ग्लैंड पाई जाती है, जिससे सलाइवा निकलता है। यह सलाइवा भोजन के साथ मिलकर भोजन को बहुत ही ज़्यादा मुलायम बना देता है। सलाइवा में ऐसे केमिकल्स होते हैं जो फूड को ब्रेक डाउन करते हैं। तो जैसे ही ये भोजन हमारे जीभ पर आता है, हमारी जीभ में मौजूद स्वादिंद्रिया इसके स्वाद को हमारे ब्रेन तक पहुँचाते हैं। उसके बाद ही ये स्मूद फूड जो कि सलाइवा की वजह से हुआ है, वो भोजन की नली से होते हुए, जिसे इसोफेगस कहते हैं, एक बैग जैसी चीज़ जो स्टमक होता है वहाँ पर जाता है, और जैसे ही भोजन स्टमक में पहुँचा वहाँ से शुरू होता है भोजन का असली पाचन। खास बात यह है कि जब हमारा भोजन हमारी भोजन नली से हमारे पेट की तरफ जाता है, तब यह एक खास प्रकार के मूवमेंट जिसे पेरिस्टाल्टिक कहते हैं, उस मूवमेंट से हमारे पेट तक पहुंचता है। इसमें होता यह है कि नली अपने आप को सिकुड़ती है और फैलाती है, जिसकी वजह से फूड आसानी से पेट की तरफ चला जाता है। जैसे ही भोजन स्टमक में पहुंचता है, स्टमक इस फूड को अपने इनर लाइनिंग से निकलने वाले गैस्ट्रिक डाइजेस्टिव जूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड और म्यूकस के साथ बिल्कुल मथ देता है, यानी मिला देता है, जिसमें से मुख्यतः एंजाइम फूड में से प्रोटीन को अलग कर देते हैं। वहीं हाइड्रोक्लोरिक एसिड भोजन को बहुत ही बारीक बना देता है। वहीं म्यूकस एक चिपचिपा पदार्थ है जो कि हमारे स्टमक से ही निकलता है और फूड में जाके मिल जाता है। वो हमारे स्टमक की दीवार को स्टमक से ही निकलने वाले एसिड से बचाता है, ताकि स्टमक की दीवार डैमेज ना हो। स्टमक में से निकलने वाले हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से स्टमक में मौजूद और फूड में मौजूद कुछ हानिकारक बैक्टीरिया हमारे पेट में ही मर जाते हैं, जिससे बैक्टीरिया हमारे शरीर को ज़्यादा डैमेज नहीं पहुँचा पाए। इस चित्र को ध्यान से देखिए। स्टमक से जुड़ी हुई है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत। हमारा फूड जो कि पेट में ही मौजूद कई डाइजेस्टिव गैस्ट्रिक फूड के साथ मिल जाता है, उसके बाद इसमें मिले हुए मिक्स मटेरियल को काइम कहा जाता है, और ये काइम अब स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ बढ़ने लगता है। इस पूरे प्रोसेस में लगभग 2 घंटे का समय लगता है, जो कि अलग अलग फूड के ऊपर निर्भर है। जैसे ही ये भोजन स्टमक से छोटी आंत की तरफ बढ़ता है, इसमें और भी कई तरह के केमिकल रिएक्शंस होने लगते हैं। हमारी छोटी आंत लगभग 7.5 मीटर तक लंबी होती है, जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कॉइल स्ट्रक्चर होता है हमारी छोटी आंत का। छोटी आंत भी 3 भागों में बटी रहती है। सबसे ऊपर का भाग जिसे कहते हैं डुओडिनम, उसके बाद आता है दूसरा भाग जेजुनम,
फिर आता है स्मॉल इंटेस्टाइन का आखिरी पार्ट इलियम। फूड स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो वो सबसे पहले डुओडिनम में आता है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है छोटी आंत का। इसमें लीवर से आया हुआ बाइल जूस और पेंक्रियाज से आया हुआ पेंक्रियाटिक जूस फूड के साथ मिल जाते हैं। लीवर से आया हुआ बाइल जूस स्टमक से आए हुए भोजन से मिल जाता है, उसकी वजह से भोजन में मौजूद फैट्स अपने छोटे छोटे फैटी एसिड्स के स्वरूप में बदल जाते हैं, जिनकी वजह से इनका एब्सॉर्प्शन शरीर में आसान हो जाता है। वहीं पेंक्रियाज से निकलने वाली पेंक्रियाटिक जूस की वजह से कार्बोहाइड्रेट शुगर और ग्लूकोज में टूट जाते हैं, वहीं प्रोटीन एमिनो एसिड में टूट जाते हैं। अब जब इन जूस की मदद से भोजन में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण पोषक तत्व अपने छोटे छोटे स्वरूप में आ जाता है, तो इसके कारण से छोटी आंत के ये ब्लड स्ट्रीम में एब्सॉर्ब होने के लिए तैयार हो जाते हैं। छोटी आंत के दूसरे हिस्से जेजुनम में पहुंचते ही छोटी आंत की दीवार पर मौजूद छोटी छोटी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, जिसे विलाई कहते हैं, उनमें मौजूद छोटी छोटी ब्लड कैपिलरी में इन पोषक तत्वों का एब्सॉर्प्शन शुरू हो जाता है, और यह प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट और फैट जैसी चीज़ें अब ब्लड वेसल्स में जाकर पूरे शरीर के विभिन्न अंगों में पहुँचते हैं। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे धीरे धीरे इसका पाचन होने के बाद अब बाकी भोजन छोटी आंत के तीसरे हिस्से इलियम में पहुँच जाते हैं। यहाँ पे इन भोजन में मौजूद मिनरल्स का भी अब्सॉर्प्शन शुरू हो जाता है, जहाँ से हड्डियों वाले और खून जैसे चीज़ों बनाने वाले खनिज तत्व शरीर के विभिन्न भागों में पहुँच जाते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भोजन छोटी आंत से बड़ी आंत की तरफ बढ़ जाता है, जहाँ पर हमारे शरीर के लिए पानी का एब्सॉर्प्शन होता है, और कुछ ऐसे मिनरल्स जो छोटी आंत में एब्सॉर्ब नहीं हो पाए वो बड़ी आंत में से होकर ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं। बड़ी आंत लंबाई में 1.5 मीटर लंबी होती है और ये छोटी आंत से आकार में चौड़ी होती है। जो भोजन डाइजेस्ट नहीं हो पाया होता है या फिर जो वेस्ट मटेरियल होता है, वह बड़ी आंत से होते हुए हमारे एनस से निकलते हुए हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है, जिसे फिकल मटेरियल कहा जाता है, और इस तरह भोजन हमारे शरीर में इतनी कठिनाइयों के बाद पचकर हमें ऊर्जा देता है। तो आपने देखा बहुत साधारण भाषा में कि भोजन हमारे शरीर में पचता कैसे है, क्या क्या प्रोसेस होते हैं, और वो शरीर के कौन से अंग है जो भोजन के पाचन में अपना सहयोग देते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है, ये जानकारी कैसी लगी है, और अगर ये बात पहले से ही जानते हैं और आपको इसके बारे में और भी ज़्यादा कुछ पता है, तो ये बात मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिना हिचकिचाहट मैं आपकी बात जानना चाहूँगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिएगा और राह देखें मेरी अगली वीडियो की। यकीन मानिए अगले वीडियो आपको और भी ज़्यादा अच्छी जानकारी दे पाने में सक्षम होंगे। मिलते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद। थैंक यू।